हेलो स्टूडेंट्स, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रजापत, आज हम कंप्यूटर एप्लीकेशंस का सेकंड चैप्टर ये जो है आज अपन डिस्कस करेंगे। जैसा कि कल अपन ने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से एक डाटा होता है, डाटा की इम्पोर्टेंस क्या है, डाटा बेस क्या होता है, डाटा बेस का उपयोग क्यों होता है, कि इसको ऑर्गेनाइज रखना क्यों जरूरी है, डाटाबेस मैनेजर क्या होता है, सॉरी डाटाबेस मैनेजमेंट क्या होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो उसके चरण में हम अगला जो है अपना आपका टॉपिक वो है डाटाबेस मैनेजमेंट मैनेजर। तो एक मैनेजर क्या होता है, डाटाबेस डीबी मैनेजर प्लस इसके साथ में दूसरा इसके साथ का ही टॉपिक है डाटाबेस एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर, डीबी एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है और मैनेजर कौन होता है, इसको समझने से पहले अपन इसका डिफरेंस समझते हैं। जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन या फिर आपकी कॉलेज या फिर कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन जो होता है उसके अंदर दो चीजें जरूर होती है, एक होता है वहां का एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा होता है वहां का मैनेजर। मैनेजर का क्या होता है कि जो पहले से उपलब्ध चीजें हैं उनका उपयोग करते हुए अपने सिस्टम के अंदर बदलाव लाना, जैसे कि वो नई चीजें ऐड नहीं कर सकते, उसकी स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये जो है इनके पास पूरा राइट होता है, वो किसी भी चीज को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि ये डाटाबेस के अंदर टेबल बना सकते हैं, बट जो कि एक ये जो मैनेजर होता है वो डाटाबेस का जो ऑलरेडी बनी हुई जो टेबल्स होती हैं उसके अंदर डाटा ऐड या रिमूव कर सकते हैं। जैसे उन्होंने ऑलरेडी स्टूडेंट नाम का एक टेबल बना रखा है, इसके अंदर अगर किसी बच्चे को नया एडमिशन हुआ तो उसका नाम ऐड कर सकते हैं। ये अगर किसी का किसी स्टूडेंट को निकलना है यहां से तो रिमूव कर सकते हैं इसको। अगर किसी स्टूडेंट को अपना नाम चेंज करवाना है तो अपडेट कर सकते हैं यहां पर। ये तो ये जो है ये जो काम है वो इस मैनेजर के हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटर का क्या होता है कि वो चीजें ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर एक डिपार्टमेंट नाम का एक अगर टेबल है तो हो सकता है कि अगले साल कॉलेज जो है वो एक नया डिपार्टमेंट जोड़े तो वो भी यहां पर आ जाएगा। जैसे बायोकेमिकल का, बायोकेमिकल का नया डिपार्टमेंट जोड़ दिया इन्होंने, उनको देखा कि उनके यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस का है डिपार्टमेंट उसका नाम कंप्यूटर साइंस चेंज करके उन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशन रखना था तो उसको उन्होंने अपडेट भी कर दिया। और हो सकता है कि इनको कोई अपना डिपार्टमेंट है वो चेंज रिमूव करना हो तो वो भी कर सकते हैं। पर इस चेंज और इस चेंज में डिफरेंस क्या है कि ये जो चेंज है वो ऑलरेडी जो बनी हुई चीज है जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टेड है उसके अंदर चेंजेस हो रहा है, और ये जो है ये एकदम नए प्रकार का चेंज है जो कि कहते हैं कि डाटाबेस के अंदर चेंजेस हो रहे हैं यहां पर। ये तो इस प्रकार से अपन ने समझा कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है और एक डाटाबेस मैनेजर क्या होता है। अब इसको अपन बहुत इजीली समझेंगे। कल मैंने आपको समझाया था कि डीडीएल और डीएमएल क्या होता है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या होती है। डीडीएल जो है डाटा डेफिनेशन, मतलब कि उस डाटाबेस का स्ट्रक्चर जो डिफाइन करता है वो सारे कमांड्स यूज लेने की शक्ति इस एडमिन को होती है। परंतु जबकि जो डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डीएमएल, तो अपन इस तरीके से भी याद रखेंगे इसको, डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ये जो है ये किस प्रकार से यूज लेते हैं और इनका यूज लेते हुए अपने कार्यों को अंजाम देते हैं। जब आप डीडीएल और डीएमएल की तरफ तरीके से इसको समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से चेंज होते हैं या फिर किस प्रकार से एक दूसरे से अलग हैं। उसके बाद आता है आपके टॉपिक कि ट्रेड ऑफ्स बिटवीन यूटिलिटीज, यूटिलिटी ऑफ डाटा एंड कंट्रोल ऑफ डाटा। यूटिलिटी ऑफ डाटा क्या होती है, किसी भी डाटा का यूटिलिटी क्या होता है कि उसका काम क्या होता है। जैसे अगर मुझे स्टूडेंट्स की सारी रिकॉर्ड चाहिए, सब स्टूडेंट्स का नाम चाहिए मुझे, या फिर मुझे ये पता करना है कि मेरे इंस्टीट्यूट में कितने लोग पढ़ते हैं, तो वो एक यूटिलिटी है कि मुझे काम है उस चीज का कि भाई मुझे पूरे सब लोगों की लिस्ट चाहिए। तो एक दो
तीन चार पांच और ये चलती रहेगी, और इसके अंदर नाम ए बी सी डी और ऐसे ही नाम चलता रहेगा। अब यहाँ पर इसका नेम, रोल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डी ओ बी और सो ऑन, ये जो भी फील्ड्स होते हैं इसके अंदर होंगे। परंतु मुझे तो सिर्फ ये पता करना था कि इसके अंदर स्टूडेंट्स कितने और उनके नाम क्या है। तो अगर मैं इन सब को भी साथ में लेता यूज लेता रहूंगा तो एक तरीके से ये बिना फालतू का डाटा है जो आगे जा रहा है। तो यूटिलिटी क्या हुई कि मैं कभी भी अपने डाटा में से इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसमें इंफॉर्मेशन को निकाल सकता हूँ। परंतु इसकी कंट्रोल ऑफ डाटा क्या हुआ कि आपको सारा डाटा जो जरूरत का नहीं है वो आपको यूज नहीं लेना। अगर आपको एक चीज मांगी जाए और 50 चीज ला के रख दिया जाए तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा। तो डाटा का साथ साथ में कंट्रोल करना भी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है जितना कि डाटा की यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी का क्या हुआ कि भाई मेरे को तो ये चाहिए, ये वाली चीज, ये वाली, बाकी का डाटा जो है वो मेरे काम का नहीं है। और ये हो सकता है कि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जो हर किसी के पास नहीं जानी चाहिए। भाई ये जो चीजें हैं वो तो किसी के पास भी जा सकती है, यहाँ का बाबू भी उसको यूज ले सकता है। परंतु हो सकता है कि ये बहुत ही सेंसिटिव डाटा हो जो कि हर किसी के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए इसके अंदर अलग अलग व्यूज बनते हैं। एक डाटाबेस का व्यूज बनता है, उसके रिपोर्ट्स बनते हैं और मैक्रोज का भी यूज लेते हैं। इनका यूज लेते हुए जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से डाटा को फिल्टर करते हुए, एब्स्ट्रैक्ट करते हुए, जब जैसा कि कल अपन ने पढ़ा था डाटा एक्सट्रैक्शन, वो यहां पर काम आता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है जो कि है फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो एक तरीके से एक बहुत ही पुराना और अच्छा सॉफ्टवेयर है डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए। जैसे अब मैंने कल आपको बताया था कि हर एक डाटा को, डाटाबेस को मैनेजमेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए उसका एक सॉफ्टवेयर होता है, उसको अपन कहते हैं DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अंदर फॉक्स प्रो भी है जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। हालांकि ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, काफी पुराना सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले आज अपन फॉक्स प्रो के बारे में जो बेसिक चीजें हैं वो पढ़ते हैं कि क्या होता है, और कल से अपन इसके प्रैक्टिकल और इसके बिल्कुल अंदर तक जाने की कोशिश करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जैसा कि अपन जानते हैं कि अपना जो डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कीमती डाटा होता है। वह किसी बैंक के अंदर ट्रांजेक्शन का डाटा हो, चाहे फिर आपके जीवन को लेकर सरकार के पास सारी ट्रांजेक्शन होते हैं कि आपने कब किसके साथ क्या ट्रांजेक्शन किया, आपने किस प्रकार से कब कब आपको खून की जरूरत पड़ी, या फिर आधार कार्ड का जो डाटा है वो सारा डाटा कहीं ना कहीं सेफ रहता है। और उस डाटा को सेफ रखने के लिए आप एक तरीके से उस पर कुछ लॉक सॉक्स लगाते हैं, जिसको अपन कहते हैं कि इंटीग्रिटी डाटा की बनाए रखते हैं। तो उस डाटा की इंटीग्रिटी बनाए रखने के बावजूद अगर उसको एक्सेस करना है तो तेजी से अपन कैसे उसको एक्सेस कर पाएंगे। और एक लाइन डालते ही, एक क्वेरी आपने डाली और उसके अंदर सारा डाटा जो था आपके सामने चला है, इस प्रकार की चीजों को यूज लेने के लिए अपन फॉक्स प्रो या फिर ओरेकल का यूज लेते हैं। हालांकि ये बहुत, मैंने पहले भी बताया कि बहुत ही पुराना सॉफ्टवेयर है। 1980 के दशक में ये इसका शुरुआत होती है, डाटाबेस 2 DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो था उसके सेकंड जनरेशन जो सॉफ्टवेयर आए थे उनके अंदर ये था। उस समय केवल IBM के PC जो होते थे, IBM कंपनी के जो PC होते थे उन्हीं पर ये चलता था। परंतु उसके बाद जैसे ही डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम 3 आया तो इसको 3+ जब विकसित किया गया तो इसको एक तरीके से एक फॉक्स प्रो के रूप में, फॉक्स प्रो के बाद में इसको विकसित किया गया, जिसको अपन DBMS इसके बाद में आया था फॉक्स प्रो। फॉक्स प्रो जो आया था, तो फॉक्स प्रो आने के बाद, तो फॉक्स प्रो 1.0 आया तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी कि उसका जो यूजर इंटरेक्शन का था वो इजी नहीं था, आप आसानी से उसके अंदर काम नहीं कर पाते थे। तो उसका जो 1.5 आया उसके अंदर चीजें इजी हुई। इस प्रकार से उनका ध्यान रखा गया कि यूजर के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें बनाई जाए। 2.0 जब आया तो उसके अंदर चीजें इजी हुई। उसके बाद जब 2.5 आया तो इसको सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स हो गया, मैक हो गया या विंडोज हो गया, सारे उनके लिए यूज लिया जाता है।
अब अपन बात करते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। एक इसकी सेटअप फाइल जो होती है, हालांकि इसका जो लेटेस्ट वर्जन है Fox Pro 6.0, ये जो है कंबाइन होता है विजुअल बेसिक के साथ। विजुअल बेसिक जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद तो अपन को कैसे जाना होगा, जैसे आपने इसको इंस्टॉल कर दिया, इसकी एक सेटअप फाइल आती है, जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो इसका पार्ट होता है, और इसको अपन स्टार्ट मेन्यू, उसके अंदर प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 6.0, और उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट विजुअल Fox Pro। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा, इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, जिसके अंदर बताएंगे कि किस प्रकार से Fox Pro काम करता है, दिखने में कैसा होता है, आपको इंटरेक्शन कैसे करना है उसके साथ में, और कैसे सारा डाटाबेस जो होगा उसको बनाते कैसे हैं, उसके अंदर मैनेज कैसे करते हैं, जो कि आज अपन ने डिस्कस किया था कि मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर दोनों किस प्रकार से एक दूसरे के साथ काम करते हैं, ये सब अपन चर्चा करेंगे अगले चैप्टर में। इन्हीं के साथ थैंक यू। इन सब वीडियोस को आप जरूर ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले भी कहा है कि आप अपने दोस्त जो किसी दूसरी कॉलेज में पढ़ते हैं उनको भी आप ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि वे उनके लिए भी उपयोगी हैं। इन्हीं सब बातों के साथ लाइक को, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं, धन्यवाद।